सास बहू की शॉपिंग। एक दिन सास और उसकी बहू शॉपिंग करने जा रही होती हैं, पर उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती। वहाँ पर उनके पड़ोसन और उनकी बहू भी शॉपिंग करने आती हैं। तो ये दोनों उनके सामने एक दूसरे की खिंचाई करती रहती हैं। बहू बेडरूम में से तैयार होके आती है, सास हॉल में बैठी हुई चिप्स खा रही होती है। ओ महारानी, कहाँ चली आपकी सवारी? हमारी सवारी जा रही है शॉपिंग करने, आपको कोई दिक्कत? अकेली कहाँ जा रही है, रुक मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। अरे रहने दो अम्मा, आप कहाँ जा रही हो इतनी धूप पे? आप बैठो घर में, आपको जो कुछ चाहिए मैं लेकर आती हूँ ना। वाह रे वाह, तुझे कब से मेरी फिकर होने लगी, और मैं तेरे साथ आऊँगी तो आऊँगी, समझी? मुझे तो आप ही की चिंता है, बाहर धूप है बहुत, इसलिए कहा मैंने। तू फिकर ना कर, धूप में नहीं ढलेगा मेरा रूप। ठीक है, अब मैं क्या बोलूं? चलो फिर। रुको मैं अभी आती हूँ, जल्दी आना। मालन देवी खुद से बातें करते हुए। चली गई क्या ये? वैसे भी उसे मुझे साथ में लेकर जाना ही नहीं था, अगर गई होगी तब तो गई समझो, छोड़ूंगी नहीं उसको। Oh my God. तो तू यहाँ है, मुझे लगा भूल गई। ऐसे कैसे भूलती आपको? भला अपनी परेशानी कोई भूलता है क्या? क्या क्या कहा तूने मुझे, मैं तेरी परेशानी हूँ? अरे नहीं नहीं अम्मा, जाने दो वो, चलो देर हो रही है ना। हाँ चलो चलो। रुकिए, क्या हुआ अब? ये आपने इतना बड़ा बैग क्यों लिया है? अरे शॉपिंग करनी है तो बैग तो चाहिए ना, और तूने जितना बड़ा बैग लिया है उससे तो थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए ना। पर ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया? हाँ तो तेरा भी बैग बड़ा है, उससे दुगना ही मेरा होना चाहिए, मैं तुझसे बड़ी हूँ तो मेरी हर चीज भी बड़ी ही होनी चाहिए। हाँ वैसे भी आपकी हर चीज मुझसे बड़ी ही होती है, जैसे कि आपका शरीर भी। क्या कहा तूने, मेरा शरीर तुझसे बड़ा है, मतलब मुझे मोटी कहा तूने? लो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब चलिए देर हो रही है। हाँ ठीक है चल। अरे बहू ये कहाँ लेकर आई है, यहाँ पे तो बाजार ही नहीं है। इसे मॉल कहते हैं, हम यही शॉपिंग करेंगे। क्या यहाँ पर? यहाँ पर क्या मिलेगा? सब कुछ मिलता है यहाँ पर, आप अंदर तो चलो। ये क्या कर रही है? अरे अम्मा वो चेकिंग करके भेजेंगे। पर क्यों, हम आतंकवादी थोड़ी हैं, हमने क्या बम बम लगा रखा है? अम्मा वो उनका काम है, करने दो उन्हें, अभी मेरा भी चेकिंग हुआ ना, वैसे ही आपका होगा। अरे माँ जी डरिए मत, सिर्फ हाथ ऊपर करिए। जाइए माँ जी, हो गया। मैंने तो कहा था ना कोई बम बम नहीं है मेरे पास। हाय हाय कितनी बड़ी है ये मंडी। अम्मा मंडी नहीं है ये, इसे मॉल कहते हैं। हाँ ठीक है जो कुछ भी हो, पर अच्छा है और ज्यादा भीड़ भी नहीं है। अम्मा जो कुछ भी लोगी उस ट्रॉली में डालना। अम्मा क्या कर रही हो आप, ये आपका गांव का बाजार नहीं है जो आप यहाँ पर हाथ साफ कर रही हो। तो चुप कर, इतने सामान में से एक ले लिया तो किसे पता चलेगा? किसे मतलब नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है। हाँ तो देखने देना, जब मैं ऊपर जाऊंगी तब उससे माफी मांग लूंगी। अरे अम्मा वो ऊपर वाला नहीं, ये ऊपर वाला सब देख रहा है। ये? हाँ अंदर आपको देख रहे हैं टीवी पर, अगर कुछ चुराया तो जेल जाएंगी आप। जेल? अरे नहीं बाबा मुझे जेल वेल नहीं जाना। हाँ तो निकालो और रख दो उस ट्रॉली में। हाँ रखती हूँ। अरे पर यहाँ पर तो सामान बहुत महंगा है, दाम कौन कम करेगा? अरे अम्मा पहले ही दाम फिक्स करके रखते हैं। तो ऐसी जगह क्यों आई है पैसे उड़ाने? अम्मा इसलिए तो मैं बोल रही थी कि आप मत आओ मेरे साथ। अरे रूपा
तू यहाँ पर? Oh my God. हाँ, शॉपिंग करने आई थी। नमस्ते आंटी जी। wow. नमस्ते। क्यों मालन देवी, आज बहू के साथ आई हो शॉपिंग? हाँ, वो बहू ने बहुत जिद की तो मैंने सोचा चलो बहू के साथ चलूं शॉपिंग करने। बहुत बड़ा बैग लाई हो, लगता है पूरा मॉल खाली करके जाओगी। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सामान थोड़ी ना लेते हैं। अच्छा, पर ये मंडी नहीं है कि यहाँ पर हर चीज कम दाम में मिले। हाँ हाँ, पता है पता है, कोई पहली बार थोड़ी आई हूँ मैं, हम तो हमेशा यहीं से शॉपिंग करते हैं। अच्छा अच्छा आंटी जी, क्या आप मैगी भी खाती हैं? आपके हाथ में इतने मैगी के पैकेट्स हैं। ओह माय गॉड। हाँ तो मैं किसी चीज को ना नहीं बोलती, सब कुछ मेरे पेट में जाता है। हाँ, पेट के अंदर सब जाता है, इनका बस पेट ही अंदर नहीं जाता। इसे तो आदत ही है मजाक करने की। अच्छा चलो, बातें तो होती रहेंगी, शॉपिंग कर लेते हैं। चलो कुछ कपड़े देखते हैं। माला, ये देख, ये ड्रेस मुझ पर कैसी लगेगी? बिल्कुल वैसे ही जैसे खेत में खड़ा हुआ बिजू का। अम्मा, ये वन पीस गाउन है, ये ऐसे ही लंबा होता है, फैशन है आजकल का ये। हाँ मालन देवी, मुझे भी मेरी बहू ने लेके दिया है, अच्छा लगता है पहन कर। अच्छा तो मुझ पर कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा जैसे लंगूर के हाथ में अंगूर। इनके आने से तू कुछ ज्यादा ही मजाक कर रही है ना बहू? जाने दो ना मालन देवी। अम्मा गुस्सा क्यों होती हो? आपके लिए भी हम कुछ अच्छा लेते हैं। मुझे नहीं चाहिए तेरा कुछ भी, मैं खुद ले लूँगी। तो ठीक है, ले लीजिए। अरे रूपा, सुना है यहाँ नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स आए हैं, तूने देखे क्या? Oh my God. अरे नहीं, अभी नहीं देखे। Uh-oh. अभी देख लूँगी और कुछ उनमें से लूँगी भी। हाँ ले लेना, मैंने भी उसमें से कुछ लिए हैं। wow. क्या लेने की बातें हो रही हैं? Oh no. अरे मालन देवी, वो चेहरे पर लगाने की क्रीम की बातें कर रही है। अब कौवा कितना भी नहा ले, कोई गोरा थोड़ी ना हो जाएगा। अम्मा, क्या आपने मुझे कौवा कहा? हाँ तो क्या मोर कहूँ तुझे? मुझे आपको साथ लाना ही नहीं चाहिए था, फिर भी मेरे साथ चली आई। oh no. अरे मालन देवी, आप तो कह रही थी कि बहू ने बहुत जिद की चलने के लिए। अरे सच में इसने ही जिद की थी, अभी तो ये मजाक कर रही है। Loser. अच्छा कुछ ज्यादा ही मजाक कर लेती हो तुम दोनों, चलने दो तुम दोनों का ये मजाक, चलो बहू हम चलते हैं। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।